नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8वीं का संस्कृत सुरभि पाठ 3 गणतंत्र दिवस इस पाठ के क्वेश्चन आंसर स्टूडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है एक पदेन उत्तर लिखत, यानी एक पदेन उत्तर लिखो, एक शब्द में उत्तर लिखो। तो इसका पहला क्वेश्चन है कस्मिन मासे गणतंत्र दिवस भवति, कस्मिन मासे गणतंत्र दिवस भवति, यानी किस महीने में गणतंत्र दिवस होता है या मनाया जाता है। तो उत्तर है जनवरी मासे, यानी कि जनवरी के महीने में, जनवरी माह में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है सेना नायका नाम अभिवंदनम का स्वीकारोति, इन्हें सेना नायकों के द्वारा अभिवादन या सलामी को कौन लेता है या स्वीकार करता है। तो उत्तर है भारत राष्ट्रपति, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कौन अभिवादन स्वीकार करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राज्येषु राज्य राजधानीसु अभिवंदनम के स्वीकुर्वन्ति, यानी कि राज्यों में व राजधानियों में कौन अभिवादन स्वीकार करता है। तो उत्तर है राज्यपाला, यानी कि सभी राज्यों में राज्यपाल अपने राज्यों में अभिवादन स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है प्रथमा कस्मिन अधिवेशनम तिरुवण ध्वजारोहणम कृतम, यानी प्रथमा कस्मिन अधिवेशनम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम, यानी पहली बार किस बैठक में ध्वजारोहण किया गया। तो उत्तर है लाहौर अधिवेशने, यानी कि लाहौर अधिवेशन में कब किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस में, कांग्रेस संस्था में लाहौर में अधिवेशन में पहले में त्रिवर्ण ध्वजारोहण किया गया था। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा स्वप्नम कस्मिन वर्षे साक्षात कृतः, प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न किस वर्ष में साकार हुआ। तो उत्तर है 1947 तमे वर्षे, यानी कि 1947 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है एक वाक्य में उत्तर लिखता, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें क वाला है सभा कक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलति, यानी सभा कक्ष में किस गीत का पूर्वाभ्यास होता है। तो उत्तर है सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलित, यानी सभा कक्ष में वंदे मातरम राष्ट्रगीत का पूर्वाभ्यास किया गया। किस गीत का पूर्वाभ्यास किया गया था, तो वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतस्य राष्ट्रपर्वणि के, यानी भारत के राष्ट्रपर्व कौन से हैं। तो उत्तर है भारतस्य राष्ट्रपर्वणि गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस च, यानी भारत के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कस्मिन दिनांके वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजयाम, यानी किस तिथि को हम स्वतंत्रता दिवस आयोजित करते हैं या मनाते हैं। तो उत्तर है 15 अगस्त दिनांके वयम स्वतंत्रता दिवस आयोजयाम, यानी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस आयोजित करते हैं या मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभक्ते का प्रतिज्ञा करता, यानी राष्ट्रभक्तों द्वारा क्या प्रतिज्ञा की गई। तो उत्तर है राष्ट्रभक्तः सर्वे राष्ट्रनायक सार्वभौमतंत्र रचयाम इति प्रतिज्ञा कृत्वा, यानी राष्ट्रभक्तों द्वारा सभी राष्ट्र के नायकों द्वारा सार्वभौम तंत्र बनाना है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कलाकारः किं कुर्वन्ति, कलाकारः किं कुर्वन्ति, कलाकार क्या करते हैं। तो उत्तर है कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमे जनपद नृत्य च जनमानसि रचयन्ति, यानी कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रम से और लोक नृत्यों से लोगों के मनों को प्रसन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदत्ते शब्दे प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी प्रश्न बनाइए, तो दिए हुए शब्दों से प्रश्न निर्माण करना है। जैसे किम, कथम, कह, केह, कुत्र, क्या, कैसे, कौन, किसके द्वारा और कहाँ। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, यथा जनवरी मासस्य, जैसे यहाँ पे दे रखा है जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवस आज रामः, यानी जनवरी महीने की 26 दिनांक को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसमें जैसे जनवरी मासस्य, तो कस्मिन दिनांके, यहाँ पे क्या हो गया कस्मिन दिनांके गणतंत्र दिवस आज राम, यानी जनवरी महीने की किस दिनांक को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व वर्तते, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व वर्तते, तो उत्तर हो जाएगा इसमें गणतंत्र दिवस किम वर्तते, क्या लगाना है हमको यहाँ पर किम वर्तते, उत्तर क्या होगा इसका गणतंत्र दिवस किम वर्तते, यानी गणतंत्र दिवस क्या है। नेक्स्ट देखेंगे भूजल वायुसेना नाम प्रदर्शनम चित्ताकर्षकम भवति, तो यहाँ पे हमको प्रश्न बनाना है तो कैसे बनाएं, जैसे भू जल और वायु सेना का प्रदर्शन मन को आकर्षित करने वाला होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भू जल वायु सेना नाम प्रदर्शनम कथम, यहाँ पर क्या हो जाएगा कथम भवति, भू जल और वायु सेनाओं का प्रदर्शन कैसा होता है। नेक्स्ट है गा वाला देखेंगे दिल्ली नगरे राष्ट्रपति सेना नायकानाम अभिवंदनम स्वीकरोति, यानी दिल्ली नगर में राष्ट्रपति सेना के नायकों की सलामी लेते हैं। तो दिल्ली नगरे कह, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें कह सेना नायकानाम अभिवंदनम स्वीकरोति, तो यहाँ पे इसमें प्रश्न बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे राष्ट्रपति की जगह पर क आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कलाकारः नृत्य जनमानसि रचयन्ति, कलाकार नृत्यों द्वारा लोगों के मनों को प्रसन्न करते हैं, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका कलाकारः के, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम के, नृत्य की जगह पर लगा देंगे के, जनमानसि रचयन्ति, यानी कलाकारों कलाकार किनके द्वारा लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशने प्रथम वार त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम, तो यहाँ पे जैसे लाहौर के अधिवेशन में प्रथम बार तिरंगा फहराया गया, तो यहाँ पे हमको लिखना है कुत्र प्रथम वार त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम, यानी कहाँ पर प्रथम तिरंगा फहराया गया। नेक्स्ट है रिक्त स्थानानी पूर्यात, प्रश्न नंबर 4 है खाली जगह भरो, तो रजयंति सेना नायके गणतंत्र दिवस राज्यपाल स्वतंत्र स्वशासना धारणा, तो यहाँ पे हो जाएगा कवाला राष्ट्रपति तो सेना नायके अभिवंदनम स्वीकरोति, खवाला है कलाकारः जनमानसि रजयंति, रिक्त स्थान में आ जाएगा रजयंति, गा वाला देखेंगे जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके, तो यहाँ पे आ जाएगा गणतंत्र दिवस भवति। नेक्स्ट है भारतम स्वशासन धारेण रचितानाम राज्यानाम गणरूपम वर्तते, नेक्स्ट हो जाएगा राज्येषु राज्यपालाः प्रतिनिध्यम वहन्ति, यानी कि राज्यों का राज्यपाल द्वारा प्रतिनिधि करते हैं। अगला देखेंगे उचित योजत, ने उचित को जोड़ो या सही जोड़ी मिलाई, जैसे आ और इधर बा, तो यहाँ पे है राज्यम, तो राज्यम का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा राज्यपाल, क्या हो जाएगा राज्यपाल। फिर है जैसे कला, तो कला का क्या हो जाएगा कलाकार, क्या हो जाएगा कलाकार। फिर देखेंगे हम राष्ट्रगीतम, तो राष्ट्रगीतम का क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रगीतम का हो जाएगा वंदे मातरम, क्या हो जाएगा
वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट है विमा नानी। क्या है? विमा नानी। तो इसमें हो जाएगा उड़ियंते, और राष्ट्रगानम, तो राष्ट्रगानम हो जाएगा जनगणमन अधिनायक जय है। विमनानी का हो जाएगा उड़ियंते, और राष्ट्रगानम का हो जाएगा जनगणमन अधिनायक जय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला वाला, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 है, विशेष पदानी उपयुज 10 वाक्यानी लिखता। यहाँ पे दे रखा है जैसे विशेष पद, विशेषण पद लगाकर 10 वाक्य लिखो। जैसे मातरम वंदे, तो यहाँ पर हमको जोड़ना है, मातरम वंदे तो लिखना है, उसके साथ में जोड़ना है। जैसे सुखदाम, जैसे यहाँ लिखा है सुजलाम मातरम वंदे, सुफलाम मातरम वंदे, मलयज शीतलाम मातरम वंदे, शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, वरदा वा मातरम वंदे, सुब्रजोत्सना मातरम वंदे। ऐसे हमको नेक्स्ट बनाना है, इसे 10 शब्द बनाना है। जैसे पुलकित यामिनी मातरम वंदे, शोभिनीम मातरम वंदे, सुहासिनी मातरम वंदे, और तारिणी मातरम वंदे। ऐसे हमको 10 वाक्यों का निर्माण करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है संधिम अथवा संधि विच्छेद कुरता, इन्हें संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे है स्वतंत्रता दिवस इव, तो स्वतंत्रता धन दिवसेव। फिर है निसारयन्ति, तो निसारयन्ति धन इति, निसारयन्ति धन इति। इतस्य इति, तो इतस्य का हो जाएगा इति धन अस्य। सोहम, तो सह धन अयम, सह धन अयम। अधुना अवगतम, तो यह हो जाएगा अधुना धन अवगतम, अधुना धन अवगतम। अगला देखेंगे अव्यानी चित्वा लिखता, अव्यानी यानी अव्ययों को चुनकर लिखना है। जैसे कथम चलती पूर्वाभ्यास, तो इसमें अव्यय क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कथम, इसका अव्यय क्या हो जाएगा कथम। राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च अभ्यसाम, तो इसका हो जाएगा अव्यय च। फिर नेक्स्ट है अत्र महोत्सवे पथ चलनम भवति, तो इसका अव्यय हो जाएगा अत्र, क्या हो जाएगा अत्र। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम, तो इसका अव्यय हो जाएगा अपि, क्या होगा अपि। फिर अधुनाम अवगतम अस्माभि, तो इसमें अव्यय हो जाएगा अधुनाम। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।